हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाव गार्डनिंग। तो आज मैं जिस प्लांट के ऊपर आपको केयर बताने वाला हूँ दोस्तों, वो है डेज़ी का प्लांट। इसके पहले मैं आपको जो एक कॉमन डेज़ी के ऊपर एक और जो है वीडियो बना चुका हूँ, तो वो एक इसी की फैमिली से बिलोंग करती है। वो थोड़ा सा डिफरेंट लगती है देखने में और ये थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी होती है। तो डेज़ी जो है इसकी फैमिली में बहुत सारे जो है अलग अलग तरीके के जो फ्लावर्स आते हैं, पर वो जो है रिलेट करते हैं एक ही फैमिली से। ये दूसरी जो है टाइप का ये जो इसका फ्लावर निकल के आता है, इसका प्लांट्स का जो पूरा साइज एंड शेप और जो स्ट्रक्चर होता है ओवरऑल, वो भी बहुत डिफरेंट होता है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो इसकी जो केयर वीडियो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो जो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों इसके पॉट सिलेक्शन की। तो देखिए यहाँ पास मैंने इसे ग्रो बैग पे लगाया हुआ है, तो 10 इंच के पॉट में मैंने इसे लगाया था। तो इसकी जो हाइट देख रहे हैं आप, ये काफ़ी अच्छी हो गई है, 1 से 2 इंच तक की इसकी जो हाइट है काफ़ी हो गई है। तो ये ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है कि जो स्टेम के थ्रू ना बहुत ही अच्छे तरीके से पहले ही अपना एक स्टैंड रेडी करता है, उसके बाद जो है इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। तो देखिए आप यहाँ नीचे से इसकी जो है स्टेम चालू हुआ है और यहाँ तक आते हुए काफ़ी हाइट पकड़ लिया है, इसके बाद जो इसकी स्टार्टिंग टॉप से स्टार्ट हुई है। और जो फ्लोरिंग बर्ड्स आप देख रहे हैं, आपको टॉप टू बॉटम पूरी जगह यहाँ पे आपको फ्लोरिंग बर्ड्स दिखेंगे चारों तरफ। ये देखिए कितने सारे एक ही प्लांट्स में मैं कहूँगा 50 से ज़्यादा फ्लोरिंग बर्ड्स लगे हुए हैं। इसी तरह कंटिन्यूसली में अगर आप कई सारे प्लांट्स अपने लगाते हैं, एक पॉट में चारों तरफ लगा देते हैं, तो काफ़ी जो है एकदम बुशी सा प्लांट निकलता है, एकदम भर के निकल के आते हैं जैसे कि आप यहाँ पास देख रहे हैं। तो आपको जो पॉट सिलेक्शन करना है, थोड़ा सा बड़ा पॉट लेना है इसके लिए। वैसे मैं बता दूं कि ये बेस्ट ग्रोइंग सीज़न है इसका, जैसे कि फरवरी का टाइम चल रहा है, तो अब इस समय थोड़ा सा जब वार्म क्लाइमेट आता है ना, तो अब ये जो है इस टाइम पे जो अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करना है स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपको इसे लगाना है तो सेप्टेम्बर के आप टाइम पर लगा सकते हैं इसको, मिड पे आप सीडलिंग कर दीजिए और अभी ये जो अच्छी तरीके से फ्लावरिंग पे आ जाता है। और मैं बात करूं अगर बिगनर गार्डनर के ऊपर, तो देखिए सबसे अच्छा प्लांट है उनके लिए, बहुत इजी टू मेंटेन प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है और काफ़ी हार्डी प्लांट है। तो आप इसे इजीली लगा सकते हैं, कम केयर करेंगे उसमें भी काफ़ी अच्छी आपको जो ये रिज़ल्ट देगा और फ्लोरिंग भी काफ़ी अच्छी आएगी। इस प्लांट की मुझे एक बात और बहुत अच्छी लगती है कि जो पॉलिनेटर्स होते हैं उनको काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप अपने गार्डन पर कोई ऐसे फ्रूट प्लांट्स लगाए हुए हैं तो जिसके पॉलिनेशन के लिए जो है पॉलिनेटर्स की बहुत ज़रूरत होती है, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए, बुलाने के लिए आपको कई सारे जो है फ्लावरिंग प्लांट्स अपने लगाने पड़ते हैं गार्डन पे। तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ये डेज़ी का, तो आप इसे अपने गार्डन पे ज़रूर लगाइए। और तो ये आपके ना गार्डन में ब्यूटी भी बढ़ा देगा और साथ में आपके जो पॉलिनेटर हैं उनको भी अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इसके आप पेटल्स देखेंगे तो आपको डिफरेंट पेटल्स देखने के लिए मिलेगा। स्टार्टिंग में जब नया प्लांट तैयार होता है तो कई बार उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आपको उसमें सिंगल पेटल देखने के लिए मिलता है। वहीं मैं आपको अगर इसमें दिखाऊं तो आपको यहाँ पर मल्टीपल पेटल्स देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो जैसे जैसे इसकी जो मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, इसमें जो फ्लावरिंग का साइज़ है और जो इसके पेटल्स हैं वो भी काफ़ी घने होके बुशी होके निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं बात करूँ इसकी वाटरिंग कंडीशन की, तो देखिए वाटर के लिए आपको सबसे ज़्यादा इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। वैसे तो कई बार अगर आप जो है इसमें कम वाटरिंग कर देते हैं तो क्या होता है कि जो शेप डी ले लेता है, यानी कि ना कई बार बहुत जल्दी से ना परेशान हो जाता है, स्ट्रेस पे चला जाता है अगर जैसे भी कमी पानी की हो गई। क्योंकि कई बार क्या है, कई सारे आप जब प्लांट एक पॉट पर लगा देते हैं तो वाटर इनटेक ज़्यादा बढ़ जाता है उसका, तो पानी जल्दी से इवेपोरेशन होने लगता है। उस कारण से आपको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है अपने सॉइल मिक्सचर में कि आपने उसको पानी देना है या नहीं। अगर उसकी जो है टॉप सरफेस ड्राई लग रही है तो टॉप सॉइल में आप उधर क्या कीजिएगा कि थोड़ा सा वाटरिंग कर दिया करिए। आप इसे 2 बार भी वाटर करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो फिर अपने सॉइल मिक्सचर जो आप बनाएंगे उसमें आपको कोकोपीट ऐड करना है, तो जो है उससे इसमें मॉइस्चर बनी रहेगी, प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेगा। क्योंकि देख रहे हैं ना यहाँ पे जो इसका स्टेम है, ये काफ़ी इसमें ना ऐसा वाटर के थ्रू ही पूरे तरीके से ये प्लांट में फ्लावरिंग आती है। क्योंकि अच्छा अगर वाटर इसमें बनता रहेगा, कंटिन्यूसली मिलती रहेगी, तो फ्लावर नो डाउट बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें आएंगे, ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। कई बार ड्रॉपिंग की जो प्रॉब्लम आती फ्लावर्स में सिर्फ वाटर के कारण ही आती है, तो वाटर का खास ख्याल रखना है। इसके बाद मैं सॉइल मिक्सचर की बात करूं, तो देखिए आपको ऐसी, अभी तो मैं इसमें दिखा नहीं सकता हूं, इतना डेंस हो गया है ये कि इसमें स्पेस ही नहीं है। तो सॉइल मिक्सचर मैंने ऐसी रेडी की है इसकी कि 50% मैंने इसमें गार्डन सॉइल यूज़ की थी और इसमें 30% कंपोस्ट ऐड किया। क्योंकि जो इसको ग्रोथिंग एज पे अपने जिस टाइम ये ग्रोथ पकड़ रहा होता है उसमें इसको अच्छी जो है थोड़ा सा फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ती है, अच्छा कंपोस्ट होगा तो इसकी जो ये ग्रीनरी वाला सेक्शन है ये बहुत जल्दी से डेवलप होता है। इसलिए आपको थोड़ा सा कंपोस्ट ऐड करना है उसमें ज़्यादा, 30% कंपोस्ट ऐड कर लीजिएगा। उसमें आप जो है 10% रिवर सैंड और 10% आप जो है उसमें कोकोपीट यूज़ कर लीजिएगा, तो मॉइस्चर आपका हमेशा बना रहेगा। तो आपको ऐसा सॉइल मिक्सचर लेना है।
तो इसमें आप जब वाटरिंग करेंगे ना, तो जो एक्सेस वाटर होता है वो भी ड्रेन आउट हो जाएगा, और जितना प्लांट्स को चाहिए वो पूरा कैप्चर करके या स्टोर करके भी रख लेगा। तो दोनों तरह से आपको प्लांट्स में ज़्यादा देख रेख करनी नहीं पड़ेगी। पूरा जो गेम होता है, जो खेल होता है ना दोस्तों, पूरा सॉइल मिक्सचर का होता है, लाइटिंग का होता है, वाटरिंग का होता है। हल्की फुल्की आपको केयर करनी पड़ती है और फिर आपको जो मनचाहा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता है। बात करूँ फर्टिलाइजेशन की, तो देखिए फर्टिलाइज़र जो है इसकी ग्रोइंग स्टेज में मैंने बोला, तो इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बहुत चाहिए। तो इसको लिक्विड फर्टिलाइजर, क्योंकि एक तरह मैं बोलूँगा कि काफ़ी हैवी फीडर है ये। आप देख सकते हैं इसकी स्टेम में भी उतनी पावर लग रही है, नई नई फ्लावरिंग बर्ड्स आ रही हैं, जब एक साथ ये खिलेंगी तो इसमें आपको खुद ही पता है कि कई सारे जो है इसमें न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो जाती कई बार सॉइल मिक्सचर पे। एक लिमिटेड स्पेस पे लगा है तो आपको टाइमली जो है इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए आप मस्टर्ड केक का डाल सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। या फिर आप क्या किया कीजिए कि जो वर्मी कंपोस्ट है या आपके पास काउडंग कंपोस्ट है, उसको थोड़ा सा एक दिन आप जो है रख दीजिए ओवरनाइट, दूसरे दिन जो है आप उसका पानी दे सकते हैं अपने प्लांट्स में, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्लांट्स में वर्क करता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है कभी कभी जाइम या सीवीड्स एक्सट्रैक्ट आप अपने डाल सकते हैं 15 से 20 दिन के एक बार गैप में, तो वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से जो मल्टी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं प्लांट्स को, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है प्लांट्स को उस समय अपनी ग्रोइंग स्टेज पे, वो उसको मिल जाती है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे जो है माइक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। बात करूँ मैं इसकी लाइटिंग कंडीशन की, तो फ्लावरिंग प्लांट है, आपको पता है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं इस हमेशा से यही बताया हूँ कि फ्लावरिंग या फ्रूटिंग प्लांट है, उनके सनलाइट की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है। तो सनलाइट के आप इसे जितने अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराएंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट देगी। ऐसी जगह पे प्लेस करें जहाँ पे इसे मॉर्निंग की सनलाइट मिले, मॉर्निंग की सनलाइट में कि आप काफ़ी अच्छी तरीके से अपना फूड कलेक्ट कर पाते हैं और ये ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं। फुल डे भी पड़े रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, काफ़ी हार्डी वेराइटी है, तो फुल डे भी अगर आप इसे छोड़ देते हैं ऐसी जगह पर आपने लगा दिया है कि जहाँ फुल डे रहती है सनलाइट, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस थोड़ा सा वाटर का आपको टाइम टू टाइम इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। बात करूँ दोस्तों इस प्लांट्स में पेस्ट वगैरह की, तो पेस्ट जनरली जो है इस प्लांट में मुझे देखने के लिए नहीं मिले, क्योंकि मैं जो है कई बार जो अपने पेस्टिसाइड का अप्लाई करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, या नीम ऑयल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। आपको अगर नीम ऑयल नहीं मिलता है तो मैंने जो है नीम वाटर कैसे बनाते हैं, नीम की लीव्स को जो है अच्छी तरीके से उसको बॉयल कर लेना है गैस पे, आपको जब वो अच्छी तरीके से कलर उसका निकला है ना ग्रीन कलर, तो उसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए उसी तरह, फिर उसको जो है आप छान कर दूसरे दिन अपने प्लांट्स में इसी तरह स्प्रे कर दीजिए, तो आपका प्लांट जो है एकदम पेस्ट फ्री हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, वो नेचुरली घर पर आप होममेड बना सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि फर्टिलाइज़र पर मैं अगर केमिकल सेक्शन की बात करूँ, तो मैं जो फर्टिलाइज़र अप्लाई करता हूँ, मैंने आपको बताया लिक्विड तो मैं देता ही हूँ, जीवामृत जैसे भी लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बनाया था उसका भी बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने के लिए मिला है और विजिबल रिजल्ट आता है उसका, मैं खुद ही सरप्राइज था उसका रिजल्ट देखकर। और साथ में मैं कई बार जो है एनपीके का भी एप्लीकेशन करता हूँ। एनपीके क्या होता है कि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास का जो है बैलेंस रेशियो होता है उसमें, तो प्लांट्स को अपने ग्रोइंग स्टेज में या जो फ्लावरिंग स्टेज होती है दोनों में उसकी काफ़ी ज़रूरत होती है। तो उस टाइम अगर आप इसे अप्लाई कर देंगे अपनी गार्डन स्प्रेयर बॉटल से, अगर आप इसमें देंगे फोलियर के थ्रू, तो प्लांट्स में चारों तरफ मिल जाएगा और प्लांट्स जो लीव के थ्रू जल्दी से फूड कलेक्ट कर पाते हैं तो आप उसे वहाँ से दे सकते हैं, तो प्लांट आपका ओवरऑल जल्दी रिजल्ट देखने के लिए आपको मिलेगा। सो दोस्तों आज की वीडियोस में बस इतना ही। आई होप आपको जो है प्लांट्स केयर डेजी की पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर किसी एक नए टॉपिक के साथ, नए प्लांट केयर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।